हम सभी जानते हैं कि सपने का संबंध हमारे आने वाले कल से होता है, यानी कि भविष्य में क्या होगा इसके संकेत हमें सपनों से ही मिल जाते हैं। बस ज़रूरी है इसे समझने की। कुछ लोग अपने सपने पर विश्वास नहीं करते और नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, कुछ सपने ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में हम बहुत सोचा करते हैं या फिर बातें किया करते हैं। भले ही हम गहरी नींद में हों, पर दिमाग के किसी कोने में वह बातें घर कर जाती हैं जिसके बारे में हम सोचा करते हैं। वेद, संसार, हर जगह यह सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इस सपने का अर्थ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक अवश्य ही बने रहें। बात यहाँ काजू की हो रही है, क्यों मुँह में पानी आ गया ना? अधिकतर लोगों को काजू खाना बहुत अच्छा लगता है। काजू ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो ज़रा सोचिए, अगर आपको यही काजू सपने में दिख जाए, आप इसे सपने में खा तो नहीं सकते, पर सपना तो सपना ही होता है। अगर आपको अपने सपने में काजू के दर्शन होते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह सपना बहुत शुभ माना जाता है। काजू का सपने में देखने का अर्थ यह है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशी का आगमन होने वाला है। वहीं काजू का सपना यदि कोई स्त्री देखती है जो नौकरी करती है, तो यह सपना उसको यह संकेत देता है कि जल्द ही उसका प्रमोशन होने वाला है। वह उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। वह साथ ही मानसिक प्रसन्नता की भी अनुभूति करेगी और उसके परिवार में भी खुशहाली आएगी। यही नहीं, सपने में काजू दिखने का अर्थ यह भी होता है कि आपको कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है और आप रातों रात अमीर बन सकते हैं और सुखमय जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काजू देखना एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। कम शब्दों में मैं एक ही बात कहूँगी कि काजू का सपना बहुत शुभ होता है और आपको जब यह सपना आए तो उपाय स्वरूप आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द इस शुभ सपने का फल प्राप्त हो। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। राधे राधे दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।